हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल माई जोन में। अभी थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्या क्या फॉर्म में लगेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप करना है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फिलअप एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 1, पार्ट 2 यूजी के लिए, यूजी पीजी एंड रेगुलर वोकेशनल सारे कोर्सेज के लिए, और जो फेल कर गए हैं प्रमोटेड है सभी के लिए। सो आप लोग क्या करना है, आप लोग को पूरी वीडियो को देखना है एकदम बिना स्किप किए, ओके। सो यहाँ पर ये लिंक देखिए, आपको यहाँ पर करना है आपका सारा काम। सो चलिए मैं शुरू से कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एंड आपको सजेस्ट करेंगे कि क्रोम ब्राउजर में ही अपना खोलिए। तो गूगल पे जाके सर्च करना है PPU, ओके। PPU सर्च करेंगे, देखिए मैंने सर्च कर रखा है, PPU लिख कर सर्च करेंगे, ये आपका ओरिजिनल वेबसाइट सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नया मैंने बताया था पिछली वीडियो में, यहाँ पर देखिए एडमिशंस एंड एग्जामिनेशन पे क्लिक करके उसके बाद फिल द लास्ट वाला पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया लिंक खुलेगा, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर नया लिंक जो जारी किया गया है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको उसके एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। जो पहला पेज आपका खुलेगा उसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी आपका जो स्टेप है ना, जितना भी सारा स्टेप है आपका 2 मिनट में मात्र खत्म हो जाएगा। 2 मिनट में आप अपना अप्लाई कर दोगे एंड आपका प्रिंटआउट भी निकल जाएगा। सो ये पूरी वीडियो देखते रहना, एंड हो सकता है मुझे समझाने में 2 मिनट से ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए नया पेज खुल गया है, एग्जाम टाइप पर आप लोग क्लिक करना है। एग्जाम टाइप पर जैसे क्लिक करेंगे आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें आप लोग गलती मत कर देना, यहाँ पर समझिए, जो पहला दिया गया है यूजी रेगुलर, जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों उनको इस पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, बाकी सब उसको नहीं करना है। एंड जिनको जिनको यहाँ पर देखिए यूजी फेल्ड, जो पार्ट 1 में फेल्ड हो चुके थे, एक्स स्टूडेंट है दोबारा उनको एग्जाम देना है, तो उनको लिए ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, यूजी फेल्ड एक्स स्टूडेंट। उसके बाद दिया गया यूजी प्रमोटेड, समझ रहे हो, सिंपल सा प्रमोटेड जो किए गए थे पार्ट 1 में उनको ये सेलेक्ट कर लेना है। एंड कुछ और क्लियर कर दूं, जिनको दोनों देना है दोनों करना पड़ेगा, आपको डबल पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पर यूजी रेगुलर भी आपको करना होगा, एंड अगर आप प्रमोटेड हो किसी भी विषय में, ऑनर्स विषय में, सो आपको ये भी करना होगा, आपको 2 बार फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। पहला इससे कर लीजिएगा, आपका पार्ट 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद जो प्रमोटेड है उसके लिए ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो फेल्ड है वो तो कर ही लेंगे ये, ठीक है, उनको एक ही एग्जाम देना है। और वोकेशनल वालों के लिए भी सेम प्रोसेस है, वोकेशनल वाले जो देने वाले पार्ट 2 का ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यूजी का जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं पार्ट 1 का, वो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे में एक्स स्टूडेंट लिखा गया है सारा सेम में, जो फेल्ड कर गए थे वो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देने वाले उनका भी सारा सेम प्रोसेस है जो मैंने ऊपर बताया है यूजी वालों के लिए। सो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इतना सारा ऑप्शंस दिया गया है, एक्स स्टूडेंट, पीजी वोकेशनल, पीजी प्रमोटेड, पीजी फेल्ड, सारा वही है ना, सारा सेम प्रोसेस है। यही समझने का देरी था बस आपका, अब थोड़ा दिन देर में 2 मिनट में मात्र आपका एडमिशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, पेमेंट भी कट जाएगा, आपका रिसिप्ट भी मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ पर देखिए करना क्या है, को यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन टाइप तो आप लोग सिलेक्ट कर लेना, आपका जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, प्लीज़ वेट कर गया ये, अभी जो थोड़ा और कुछ बताना है आगे वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी है, BA जनरल, जो भी आपका BA, BSc, BCom, Year 1, Year 2, देख रहे हैं सारा दिया गया है ना, BA, BSc, BCom का जो भी आप देने वाले सेलेक्ट कर लेंगे। मैं BSc Year 1 का कर लेता हूँ सेलेक्ट, आपका नेट फास्ट होगा ना दोस्तों, तो आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। ये मैंने करा था पिछले साल, मेरे पास अभी किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या URN नंबर नहीं है। सो मैं इस वीडियो को माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ करना कैसे है, ठीक है। मैं करके खुद नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं, या मेरे पास किसी का माता पिता का नाम, किसी का रैंडमली मैं डाल नहीं दूंगा तो कैसे, गलत हो जाएगा ना, मतलब मेरे पास होगा तभी ना करके दिखाऊंगा। आप लोगों को बता रहे हैं ऐसे ऐसे करना है, वो देख फॉलो करिएगा, वही आपके लिए जरूरी है, ठीक है, ठीक है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, 19G करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, 19G और नंबर होगा, बाकी में बाद में वो वाला डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर मदर का जो भी किसी एक का डाल देना अच्छे से, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने दिया था। इसके बाद यहाँ पर सर्च इन पे करेंगे क्लिक, यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर लेंगे या URN कुछ पे भी, और URN यहाँ पर डाल देंगे, ओके, ठीक है। एंड लास्ट में कैप्चा कोड यहाँ पर होगा, कैप्चा कोड डाल के सर्च मार लेंगे, आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो चलिए ये सब मैं अगले पेज में मिलते हैं, ये सब आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, आई होप, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेज में।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का आपका पेज खुल के आ जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले डाल देना है, मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे ईमेल आईडी डाल देना है, नेशनलिटी चूज कर लेना है इंडियन, उसके बाद डोमिकल स्टेट मतलब जहाँ के निवासी हो वहाँ आपको डाल देना है, उसके बाद रिलीजन यहाँ पर चूज कर लेना है, आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो सिख ईसाई, उसके बाद करेंट एड्रेस डालना है, अगर मतलब जहाँ अभी आप रह रहे हो मतलब रेंट पर रह रहे हो, पटना में रह रहे हो लेकिन आपका ओरिजिनल घर कहीं और पर है, नवादा वगैरह कोई भी जिला में, वो डाल देना है। मतलब परमानेंट एड्रेस पे परमानेंट चीज डालना है, करेंट पे करेंट डालना है, ठीक है, ये सब एड्रेस पूछेगा। उसके बाद कुछ और डालना रहेगा, परमानेंट स्टेट, परमानेंट करेंट स्टेट, ये सब वो सब भी आप लोग कर लोगे, वो सब कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों। एंड ये सब उसके बाद देखिए काफ़ी ईजी प्रोसेस है, करेंट स्टेट जहाँ अभी रह रहे हो जिस भी अभी राज्य में रह रहे हो, उसके बाद परमानेंट स्टेट, उसके बाद करेंट डिस्ट्रिक्ट जिस भी जिला में अभी रह रहे हो, उसके बाद परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड करेंट परमानेंट सारा डाल दोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का आपका फोटो मांगेगा, फोटो आप लोग स्कैन करके डाल दीजिएगा आपने एडमिशन करवाते टाइम, ये सब सारा प्रोसेस किया है, ये सब आपके लिए कोई नया बात नहीं है, ये सब आपने कर रखा है। ओके, अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, वही करना है स्कैन करके, एडोबी स्कैन डाउनलोड कर लो, उससे अच्छा से होता है, ठीक है। उसको करने के बाद दोस्तों, उसको करने के बाद लास्ट आपका बोला था ना मैंने 2 मिनट में हो जाएगा, उसके करने के बाद ये खाली पेमेंट कर देना, बस हो गया काम आपका। पेमेंट करने का बहुत सारा माध्यम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, सो जिनको पेमेंट करने नहीं आता है वो देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड से अगर कर रहे हो आप लोग पेमेंट जो भी हो, पंजाब SBI जो भी है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कार्ड नंबर, कार्ड पर आपको नंबर होगा 16 अंकों का, वो डाल देना। उसके बाद आपको देखिए नेम ऑन कार्ड, उसके बाद आपका कार्ड जिस भी नाम से है आपका है, आपका पापा का है, वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर CCV नंबर 3 अंक का होता है पीछे में, कार्ड के पीछे में, वो डाल देना है। एक्सपायरी वाला डाल देना है, मंथ एंड ईयर, ओके, आपका जो भी है। उसके बाद पे कर देना, आपका पेमेंट कट जाएगा, आपका पेमेंट कट जाएगा, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब उसको सिर्फ लास्ट प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, एंड वो कॉलेज में मांगेगा, उसका ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों कॉलेज में, वो निकाल लेना है। एंड वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हो गया आपका, इतना ही था बस। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना वो कमेंट करो। एंड यहाँ पर आप लोग बहुत तरीका है यार, आप पेटीएम उससे भी कर सकते हो पेमेंट, बहुत सारा तरीका है। सो चलिए जान लेते हैं कुछ और बात। देखिए उसके बाद देखिए आप लोगों ने कर लिया सारा प्रोसेस, उसके बाद वापस आना है, उसके बाद प्रिंट निकालना है ना। यहाँ पर देखिए 3 आपका पैरेलल लाइन दिख रहा है ऊपर में, यहाँ पर इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना, उसको करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। देखिए होम फिल फॉर्म न्यू, मतलब नया फॉर्म भरने के लिए यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद फाइंड व्यू प्रिंट फॉर्म, यहाँ से आप लोगों को कर लेना, सिंपल सा यही आपका है 3rd नंबर वाला। पेमेंट स्टेटस देखना है सक्सेस हुआ या नहीं वो यहाँ से देख सकते हैं 4th नंबर। डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन भी है, बाकी सब वही है। कॉलेज पोर्टल भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं आपका जो भी कॉलेज है, RKD जो भी है। सो एंड यहाँ पर कुछ और भी लास्ट में देख सकते हैं, ये सब आपके लिए नोटिफिकेशन है, ये सब भी जान लेना आप लोग के लिए ज़रूरी है, ये सब के बगैर आप समझो अधूरे हो, ये सब नहीं पता है तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है प्रत्येक परीक्षा फॉर्म के प्रिंट आउट पर ऊपर में बाईं ओर एक फॉर्म नंबर अंकित होगा। फॉर्म नंबर याद है, रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करते टाइम भी आपको फॉर्म नंबर की जरूरत पड़ता था, वही वाला फॉर्म नंबर होगा अगर प्रिंट आउट निकालोगे उसमें बाईं ओर, ठीक है। जो उसके बाद लिखा है जो उस छात्र छात्रा की ऑनलाइन की पहचान संख्या है। फॉर्म नंबर का उपयोग छात्र छात्रा अपने प्रतियोगी परीक्षा एवं परीक्षा प्रवेश पत्र की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। सिंपल सा साफ साफ लाइनों में लिख दिया गया, इससे आप सूचना प्राप्त कर सकेंगे इसका, परीक्षा प्रवेश पत्र का एवं प्रतियोगी परीक्षा का, ओके, अतः ये याद रखना अनिवार्य। उसके बाद लिखा है जिन छात्र छात्राओं महाविद्यालय अपने पोर्टल से सत्यापित करेंगे, मतलब इसका मतलब सिंपल सा है वैलिडेशन, वेरिफिकेशन करवाना होगा कॉलेज में जाकर, ये सारा प्रोसेस कर लिया आपने, प्रिंट आउट निकाल लिया, कॉलेज जाइए वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, यही लिखा हुआ है यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद देखें छात्र छात्रा अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी से प्राप्त यूज़र आईडी का पासवर्ड का क्या उसका यूज़ किया है वो बताया गया है। आप अपना एडमिट कार्ड रिप्रिंट करवा सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद लिखा गया ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते वक्त छात्र छात्रा अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम को सर्टिफिकेट से अवश्य मिला लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं कुछ त्रुटि हो जाता है ना, तो आपसे कुछ भी गलती हो जाता है दोस्तों, तो उसका क्या है, त्रुटि हो जाए तो ये आपको कॉलेज को सूचना देना, मतलब ठीक करवाना है कॉलेज से जल्द। अगर कुछ गलती नहीं करिएगा, गलती करने का गुंजाइश ही क्या है, गलती मत करिएगा,
और यही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन रह गया कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।